हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज मैं लाया हूँ आपके लिए नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबको बताऊंगा टॉप 10 एक्शन मूवीज़ इन बॉलीवुड। तो आपको तो पता है बहुत एक्शन मूवीज़ बॉलीवुड में आती रहती हैं और आजकल ज़्यादातर एक्शन मूवीज़ बनती रहती हैं और एक्शन मूवीज़ देखने के भी बहुत सारे शौकीन हैं और एक्शन मूवीज़ अच्छी भी होती हैं, लेकिन कुछ मूवीज़ एक्शन इतनी अच्छी भी नहीं होती और कुछ तो ऐसी मूवीज़ होती है जो बॉलीवुड को फाड़ के रख देती हैं। अब आपको तो पता है बहुत सारे एक्शन हीरोज़ हैं बॉलीवुड में, सलमान खान, टाइगर श्रॉफ, ऋतिक रोशन और इसके अलावा बहुत सारे एक्शन हीरोज़ बॉलीवुड में मौजूद हैं और ये इनकी एक्शन मूवीज़ बहुत अच्छी भी होती है। खासकर तो सलमान खान बॉलीवुड के सबसे बड़े एक्शन हीरोज़ में से एक है। तो मैं आपको जो मैं आज 10 मूवीज़ बताऊँगा बहुत अच्छी मूवीज़ हैं और आपको वो देखने में बहुत मज़ा भी आएगा। तो इसलिए कह रहा हूँ वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन को क्लिक कर दो जल्दी से। ओके। तो दोस्तों, इस लिस्ट के टॉप 10 पर आती है हमारे, आप देख ही लीजिए किसकी मूवी होगी, हमारे भाईजान की मूवी जो 2010 की बहुत अच्छी मूवी रही थी और पुलिस ऑफिसर की मूवी थी। इसके 3 पार्ट आए हैं, दबंग, दबंग 2 और दबंग 3, जो कि दबंग 3 2019 में आई थी जो इतनी मशहूर नहीं हुई थी, लेकिन इसके दोनों पार्ट बहुत अच्छे हैं और आपको देखने में मज़ा आएगा। इस लिस्ट के टॉप 9 पर आती है हमारे बॉलीवुड के सिंघम अजय देवगन की मूवी, जो कि पुलिस ऑफिसर के ऊपर मूवी थी और बहुत अच्छी थी और ये भी पुलिस ऑफिसर में बहुत अच्छी मूवी थी, जिसके 2 पार्ट हैं, सिंघम और सिंघम रिटर्न। और दोनों पार्ट में से पहला पार्ट ज़बरदस्त रहा और बहुत अच्छा पार्ट था पहला पार्ट, लेकिन सिंघम रिटर्न्स बॉलीवुड में इतना कुछ कमाल नहीं दिखा पाया, लेकिन सिंघम 1 आपको देखने में बहुत मज़ा आएगा। लेकिन सिंघम रिटर्न्स बेकार भी नहीं है, कहानी अच्छी है, लेकिन 1 पहला पार्ट की बात ही कुछ अलग थी और ये मूवी बहुत ज़बरदस्त है और मज़ा भी आएगा आपको देखने में। इस लिस्ट के टॉप 8 पर आती है हमारे बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार की मूवी। आपको तो पता है अक्षय कुमार साल में कम से कम 4 मूवीज़ देते हैं और बहुत अच्छी मूवीज़ भी होती है, जिनको चाहिए पैसा ही पैसा पैसा ही पैसा हो गया। ड्रामा, एक्शन, कॉमेडी बहुत कुछ है इस मूवी में और आपको बहुत देखने में मज़ा आएगा और बहुत अच्छी मूवी है और उस साल की बहुत सबसे अच्छी मूवी थी अक्षय कुमार की। अच्छा, बस उन्होंने इसमें पुलिस ऑफिसर का रोल किया है और इसमें विलन की भी कमाल की एक्टिंग है और सब ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। इस लिस्ट के टॉप 7 पर आती है हमारे भाईजान की मूवी फिर से, इसका नाम था सुल्तान, आप देखकर समझ ही गए होंगे वीडियो को, और बहुत अच्छी मूवी थी और ये एक बॉडी बिल्डर के ऊपर मूवी है और इसमें कमाल का एक्शन है और कमाल के बॉडी बिल्डर बने थे। ये मूवी इतनी अच्छी है और आपको इस देखने में बहुत मज़ा आएगा और अलग ही टाइप का इसका एक्शन है और अलग ही कहानी है, बिल्कुल चेंज भाईजान को दिखाया है और इसमें ये बहुत अच्छे रेसलर बने हैं और रेसलर की मूवी तो इतनी देखने को बॉलीवुड में मिलती नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त मूवी है बॉलीवुड की। इस लिस्ट के टॉप 6 पर आती है धूम सीरीज़। ये धूम सीरीज़ तो बहुत अच्छी मूवी है और बाइक के ऊपर है और ये इसके 3 पार्ट बहुत मशहूर हुए थे और तीनों के तीनों बहुत अच्छे पार्ट है, धूम 1, धूम 2 और धूम 3। और तीसरे पार्ट में थे आमिर खान, दूसरे में ऋतिक रोशन, पहले में जॉन अब्राहम और बहुत अच्छी तीनों के तीनों मूवी है। इसमें चोर के ऊपर मूवी और अभिषेक बच्चन तीनों के तीनों पार्ट में पुलिस ऑफिसर बने और इनको पकड़ते हैं और बहुत अच्छी मूवीज़ हैं और एंड मूवीज है, आप समझ लिए आपको देखने में अलग ही टाइप का मज़ा आएगा। इस लिस्ट के टॉप 5 पर आती है रेस सीरीज़। और रेस सीरीज़ तो इंडिया में बहुत मशहूर चली थी, इसके दोनों पार्ट तो बहुत अच्छे थे, लेकिन तीसरा पार्ट जिसमें सलमान खान आए थे वो इतना मशहूर नहीं हुआ, लेकिन बहुत अच्छी तीसरे पार्ट की भी कहानी है और दोनों पार्ट तो शुरू के बहुत एंड और बहुत कमाल के पार्ट्स बनाए गए थे और बहुत ही मज़ा आया था देखने में। बहुत अलग ही टाइप का आपको इस फिल्म में एक्शन मिलेगा, बिल्कुल हॉलीवुड के टाइप का एक्शन है रेस की तीनों सीरीज़ में और बहुत ही अच्छी मूवीज़ हैं और बहुत कुछ है इस मूवी में, बहुत सस्पेंसिव मूवीज़ हैं, थ्रिलर, एक्शन, बहुत कुछ है, आपको मज़ा आ जाएगा देखने में। इस लिस्ट के टॉप 4 पर आती है हमारे स्टंट्स मास्टर
विद्युत जामवाल की मूवी, जो कि बहुत अच्छे और स्टंट्स करते फिल्मों में कमांडो 1, कमांडो 2 और कमांडो 3, जो कि तीनों पार्ट इसके बहुत मशहूर होते हैं और बहुत कमाल के स्टंट्स दिखाए इसमें विद्युत जामवाल ने, और बहुत एक्शन है मूवी में, आपको कसम से देखने में बिल्कुल ही अलग ही टाइप का मज़ा आएगा। और बहुत ही अच्छी मूवी से तीनों के तीनों इसके पार्ट बहुत मशहूर होते हैं और इन्होंने कमाल का एक्शन किया है इस मूवी में। इस लिस्ट के टॉप 3 पर आती है बॉलीवुड के टाइगर, जिनका नाम भी है टाइगर, टाइगर श्रॉफ, जो कि बॉलीवुड के बहुत अच्छे एक्शन हीरो और बहुत कम उम्र में इन्होंने अपना बॉलीवुड में नाम बना लिया है और बहुत कमाल का स्टंट करते हैं। जिस मूवी का नाम है बागी, बागी 2 और बागी 3, मतलब बागी के तीनों पार्ट और पूरी सीरीज़, बहुत कमाल की मूवीज है ये और आपको बहुत फौजी और पुलिस इतना एक्शन देखने को मिलेगा जितना आपको किसी भी मूवी में एक्शन देखने को मिला नहीं होगा। और इन्होंने बहुत कमाल का डांसिंग एक्शन और बहुत कुछ किया है बागी, खासकर बागी 1 में। इस लिस्ट के टॉप 2 पर आती है हमारे भाईजान की एक और मूवी, जो कि बहुत अच्छी मूवी है और इसके दोनों के दोनों पार्ट बहुत मशहूर है। अब तो तीसरा पार्ट आने वाला है, मतलब टाइगर जिंदा है और एकता टाइगर, ये दोनों के दोनों पार्ट बहुत कमाल के। एकता टाइगर में आपको लव स्टोरी थोड़ी बहुत देखने को मिलेगी और टाइगर जिंदा है में कमाल का एक्शन, और टाइगर जिंदा है के गाने भी बहुत उस साल के मशहूर गए थे। 753 मिलियन व्यूज इसके गाने पे हैं, स्वागत से करेंगे सबका स्वागत है। और ये इतनी वीआईपी मूवी है, आपने कभी ऐसी मूवी देखी नहीं होगी। और लिस्ट के टॉप 1 पर आती है, स्टार्ट हो जाइए क्रिश के तीनों पार्ट, क्रिश सीरीज, ऋतिक रोशन जो के हैं पूरी दुनिया के स्टाइलिश हीरो और बहुत अच्छे हैंडसम हीरो हैं, और इसके तीनों पार्ट क्रिश 3, कोई मिल गया और क्रिश, इसके तीनों पार्ट बहुत कमाल के, खासकर कोई मिल गया देखोगे तो आपको मज़ा आएगा। और इसके दोनों पार्ट, अगले दो पार्ट तो फुल एक्शन से भरे हुए हैं और बहुत अच्छे पार्ट्स हैं, और आप देखोगे ना कसम से आप बोलोगे कि यार ऐसी मूवी मैंने कभी देखी नहीं होगी। ये मूवी है सुपर हीरो के ऊपर और सुपर हीरो की मूवीज़ तो बॉलीवुड में इतनी मिलती नहीं है, बहुत अच्छी है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, आपको अगर वीडियो कैसी लगी तो ज़रूर बताना और अपने फेवरेट हीरो का नाम भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जल्दी से क्लिक कर दो ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे और आप एक भी वीडियो हमारी मिस नहीं करो। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और अगला टॉपिक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना।